गवर्नमेंट की तरफ से जो आगे रोजगार से जोड़ने के लिए जो भी सहूलियत मिलती है वो हम दी जाए तो हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी हमारी खुवातीन के लिए। और किस तरह जो काम हो रहे हैं जैसा PMKVY है, अगर ये भी आप ही के अंडर में चलेगा, अगर ये PMKVY का आपको प्रोग्राम मिल जाता है, जैसा कि इसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स है और या फिर लॉजिस्टिक का कोर्स है या इसके सब के कोर्स भी अगर हमको मिलते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, तो इससे भी इदारे में तमाम सहूलियत हो जाएगी। ये इदारा बिल्कुल वुमेंस डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो अगर फ्यूचर में हो सकता है उसको हमारे दूसरे लड़कों को जो उनके लिए भी ट्रेनिंग का इंतजाम कर सकते हैं, इसमें सफिशियंट जगह है, फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी जगह है। और ये जो ट्रेनिंग ये जो शिक्षा फाउंडेशन वहाँ है, इसमें यानी सिर्फ यानी हम उन लोगों को देंगे जो मतलब खाली इसका मेंटेनेंस के लेवल पर पैसे लेके देंगे, तो इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है, चूंकि एक वो है किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर। तो ये और दूसरा के आखिरी बात ये बोलना चाह रहा था मैं भाई है कि इसमें ऊपर के समय काफी जगह है, तो ये सितारे को अगर ऊपर के लिए जो सफिशियंट ऊपर के लिए जो भी अगर वो तामीर हो जाती है हमारी, तो ऊपर शायद हमारा करीब 20-1 लाख काम का काम बचा हुआ है हो जाती है, तो हम इसमें फरमाइश के लिए भी काम चालू कर सकते हैं। तो तकरीबन 49 ईयर्स इसको हो चुका और अभी तक किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में पड़े हुए ये इधर चल रहा है। तो ये जो ये तमाम काम हमारे रुके पड़े कुंदरमा, अगर आप इस मामले में अगर आप करते हैं तो हमारे लिए गुड हो जाएगा। डिप्टी मेयर IMG और सीनियर कॉर्पोरेटर कुद्दूस भाई और रफा खान जी और अलीम भाई रेडकैप चेयरमैन और तारिक अंसारी जी, विक्रम राव जी और मुजीब भाई और मजाही बबू यासिन साबरी जी। कुछ महीने पहले मैं इधर आया था, जब ये बिल्डिंग अनफिनिश था, ना कोई कलर ना कोई फ्लोरिंग, हम इसी में बैठ के मीटिंग किए थे। और मुझे ये भी याद है मैं यहाँ 10 लाख रुपए फंड देने का वादा किया था और वो 10 लाख का आप अगले हफ्ता मिल गया। ये वादा एक दिन आगे हो सकता है, एक दिन पीछे हो सकता है, लेकिन वादा वादा ही रहेगा, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ देंगे। हमारा दीदी बोल रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ अपने देंगे, क्योंकि हमने खुद आंखों से देखे थे। और पीछे आप लेके गए कई गरीब बहनों को, आप टेलरिंग करवाते हैं और कंप्यूटर भी सिखाते हैं, खुशी हो गया मुझे, क्योंकि जब बहनों से मिले थे वो लोग भी खुशी से बोले थे कि सर हम आपको यहाँ पे अच्छा सिखाते हैं और कुछ सर्टिफिकेट भी मेरे हाथों से आप दिलवाई थे, मुझे याद है। हर चीज गवर्नमेंट के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ NGOs बाहर आते हैं, जैसे कि बैतुल मम है, ऐसे गरीब लोगों को तरक्की करने के लिए आगे आते हैं। तो हमारे बहनों की तरफ से और निजामत के लोगों की तरफ से बैतुल मम सोसाइटी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ लोग हज में जा रहे थे, वहां पे टीका का प्रोग्राम में मैं गया था, वहां बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं उस दिन भी मौजूद थे। उस दिन एक मैं बात बोला था, आज निजामाबाद शहर में सब लोग सोच रहे हैं कि रोड खराब है, धूल उठ रहा है, ये मुझे मालूम है, सबको तकलीफ हो रहा है। अभी मैं और दीदी कार में बैठ के बात करते आ रहे हैं, लेकिन एक काम ने तीन काम साथ में चल रहा है,
एक तो मशीन वगैरह था और ये अमृत एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ये तीनों भी चैलेंजिंग काम है और ये भी खुशकिस्मत है हमारा तीनों भी साथ में चल रहा है, क्योंकि पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज होगा फिर उसको तोड़ो फिर वाटर लाइन डालो फिर उसको तोड़ो और एक लाइन डालो, ऐसा नहीं हो रहा है और इससे पहले कभी नहीं हुआ, शायद अभी आगे कभी नहीं होगा। हमारे पास 7.5 करोड़ का निजामबाद में आज काम चल रहा है और मैं ये भी बोला था, मुझे अच्छा याद है, अगर आपको गुस्सा आता है आपको किसी को गाली देना है, मैं बोला था गाली मुझे दे दो, क्योंकि कारपोरेटर को कुछ मत बोलो, मेयर को कुछ मत बोलो, डिप्टी मेयर को कुछ मत बोलो, क्योंकि सारे बोझ मैं उठा रहा हूं, कहीं मैं इस जिम्मेदारी लिया हूं, वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं काम करके दूंगा। और आज आप जाके बाबा साहब पहाड़ी में आप जाके देखिए, अब रोड इतना अच्छा बन रहा है, वहां पे रियल एस्टेट वाले मुझे मिले थे, वो बोल रहे थे साहब ये रोड बनने से यहाँ पे 1000-2000 रुपए का रेट भी ज्यादा हो गया, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। और आज के डेट पे अरसा पिल्ली का रोड भी जो पहला रोड था उससे डबल से भी ज्यादा बड़ा हम रोड कर रहे हैं, अभी बोधन रोड मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा रोड है, इम्पोर्टेंट रोड है और ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे अरसा पिल्ली का रोड खत्म आएगा वही टीम आके अभी बोधन रोड को सुधारेंगे, थोड़ा लेट हो गया मैं मानता हूँ क्योंकि अंडरग्राउंड मैनेज के बाद वाटर लाइन जा रहा था, तो अभी हो गया जितना खोदने का है वो खोदना काम हो गया, अभी आगे जरूर ये काम हो जाएगी। और कुछ लोग बात करते हुए मैं सुना था कि कब्रस्तान में फुल हो गया, लाश लगाने के लिए जगह नहीं मिल रहा, हम खुद चल के धर्मपुरी हिल्स के पास जो ईदगाह है, ईदगाह के साथ में 4 एकड़ का जमीन हमने अलाट करके 3 करोड़ रुपए फंड अलाट करके वो टेंडरिंग भी हो गया है, शायद अभी एक हफ्ता दो हफ्ता में काम चालू भी करेंगे, आपको एक 5-6 महीने में वो भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो कब्रस्तान ऐसा रहेगा एक मॉडल कब्रस्तान रहेगा, जिसमें जो गरीब गुजर जाता है, जो फॉर्मेलिटीज अपने घर में नहीं कर सकते, हर फॉर्मेलिटी का इंतजाम वहां पे कब्रस्तान में रहेगा, वहां पे एक छोटा भाग भी रहेगा, इसके मतलब छोटा गार्डन भी लगाएंगे ताकि वो कब्रस्तान नहीं लगे, और यहाँ पे दाने धोने का भी इंतजाम रहेगा, नमाज का भी इंतजाम रहेगा, सब कुछ हम उसमें कर रहे हैं। और बोधन रोड से जो पवन टाकिस है, पवन टाकिस से किला रोड जो है, हम बड़ा रोड करने वाला है और सेंटर लाइटिंग करने वाला है और अहमदी बाजार नया बना रहे हैं, ये काम आपको करके दिखाएंगे। सिर्फ वही रोड ही नहीं, निजामबाद में जितने भी मेन रोड है, मेन रोड के मतलब आगम रोड, बोधन रोड, हैदराबाद रोड नहीं है, नहीं है, जितने भी आपको अहमदिया बाजार है और अंदर सीएम रोड है, जितने भी मेन रोड जो आप नाम लो लो उसका हम रोड 25 जुलाई के तारीख से पहले हम बना के दिखाएंगे। बस सबर करना है, मैं जानता हूं कि आप अच्छा सबर कर रहे हैं, बुरा भी लग रहे हैं, कभी तकलीफ भी हो रहे हैं, तो सभी साथ दे रहे हैं, सबकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज भी करता हूँ, चंद्रम जी इधर है और मजार जी है, अगर कुछ माफ कराओ कोई अगर किसी का नाम लिया तो, सब मीडिया, उर्दू मीडिया और मेरे भाइयों मेरे बहनों, और दोबारा इस प्रोग्राम जैसे आप लेके जा रहे हैं हमारे मदद जरूर रहेगा, अब ऐसा मत सोचो कि हमने 10 लाख दे दिया हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, हम आपके पीछे हैं क्योंकि आप एनजीओ है, आप आगे जाते रहिए, हम आपके पीछे हैं, ये जो मुझे मौका दिया शुक्रिया अदा करना चाहता। मुसलमान लड़के लड़कियाँ रोजगार हासिल करके रोजगार हासिल कर रहे हैं, मैं एमपी साहब का
डेवलपमेंट में जो हमारे मुसलमान लड़की लड़कियां था जो रोजगार आदमी करके जो ट्रेनिंग आदमी करके मैडम ने आपका शुक्रिया साहब और मेरे साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने खिलाफ सबको मेरा सलाम। जैसे एमएलए साहब कह रहे थे कि एक नाम लेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जितने भी हमारे बैतुलुल माल के बॉडी के मेंबर्स हैं, खासकर उनके प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे असदुल्ला बेग साहब और सेक्रेटरी साहब शेर अली शाह साहब हैं और कैशियर जी जाफर भाई और बाकी जितने भी इस NGO के बैतुल माल के पीछे जो चलाने वाले लोग हैं उन सभी को मेरा सलाम। और साथ में हमारे सारे पॉलिटिशियन भाई हैं, हमारे MLA साहब हैं, मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, कॉन्फ्रेंटर हमारे आलिम भाई हैं और हमारे मदर भाई हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, सबको मेरा सलाम। और खासकर मैं किसी भी मीटिंग में जाती हूँ तो ये देखना चाहती हूँ कि हमारे खवातीनों को आगे बैठने का मौका मिले, लेकिन अभी भी वो पीछे बैठे हैं। लेकिन एनीवे हाय टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत बहुत खुशी की बात है कि एक शिद्दत के साथ जो काम चलाते हैं उनको तो बहुत अच्छा कभी ना कभी रिजल्ट मिल ही जाता है। और ये 50 साल से जो यहाँ पे काम चल रहा है तो इसका रिजल्ट तो अच्छा निकल के आना ही है। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ से निकल के गई हैं, बहुत उनका बेनिफिट भी हुआ है और मैं ये चाहूँगी कि आगे चल के भी उनका बेनिफिट अच्छे से हो। आप जानते भी हैं जो आज की हुकूमत है बहुत ही हमदर्द है, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती है, तो बराबर इस इदारे के लिए मेरा फंड भी जाएगा, MLA साहब का फंड भी जाएगा, साथों साथ हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी जितना भी काम बाकी है, क्योंकि हमारे साहब समझा रहे थे मुझे कि 10-20 लाख से शायद ज़्यादा कुछ मदद हो नहीं पाएगा, तो मैं आज ये वादा यही करती हूँ कि जितना भी काम बाकी है साहब वो 50 लाख भी होने दीजिए करके हम देखेंगे। नेक काम चल रहा है, बहुत ही पाक काम चल रहा है, तो इसमें हम भी हमारा जो भी कुछ कर सकते हैं वो करने के लिए हमारे साथ रहेगा हमेशा। पहले तो कंस्ट्रक्शन तो काम आपका हो जाएगा साहब, साथ में जफर भाई से जब पिछले बार भी मुलाकात हुई थी स्किल डेवलपमेंट की वो बात कर रहे थे, तो तेलंगाना जागृति जो है ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाइप में है और हम प्रोसीजर वगैरह जानते हैं, तो आप एक बार तेलंगाना जागृति के यहाँ लोकल पर्सन से मिलिए, जो भी हमारे NGO से अलग से स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका खुद अप्लाई करा के सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका टाइप कराएंगे तो ईजी हो जाएगा। अगर तब तक आपको जागृति की मदद चाहिए होगी तो इमीडिएटली यहाँ पे क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अल्टीमेटली हम सबका सोचना यही है, हम सबका सोच भी यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हमारे लड़के हैं उनको ट्रेनिंग मिले, रोज़गार मिले, तो उसमें आप सबके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं और डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इस NGO के लिए, बैतुल माल के NGO के लिए हम डेफिनेटली साथ में रहेंगे। और MLA साहब तो आपको समझा भी रहे थे कि रोड आगे जाके कितना अच्छा बनने वाला है या पूरा निज़ामाबाद का नक्शा किस तरह से बदलने वाला है, हमारे MLA साहब ने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया। मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ कि KCR साहब ये चाहते हैं कि हर एक गली हमारे तेलंगाना के अच्छे से अच्छे बन जाए और उसके लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हम काम तो पूरे सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं और बहुत ही खुशी होती है जब भी हमारे कम्युनिटी के लोग जहाँ पे भी मिलते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं जहाँ पे भी मिलते हैं, इतना सपोर्ट में है और इतना आपके दुआएं इस सरकार के साथ, इस हुकूमत के साथ, आपके दुआओं के दम पे हम आगे बढ़ेंगे और भी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए आप हमेशा KCR से आपके हाथों को बहुत मजबूत करते आए हैं और आगे चल के भी आपका साथ रहेगा, आपका दुआ रहेगा, तो बराबर हम निज़ामाबाद के कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियसली और सिंसियरली काम करते रहेंगे। और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है सब, क्योंकि बातों से ज़्यादा हमें काम करके दिखाना है, तो जो भी वादे आपके लिए हमने किए हैं उसे हम जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह आगे जाके और एक फ्लोर का ओपनिंग करने के लिए आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।
जुड़ने की जरूरत है मैडम। एक हमारे एक और कोई है किसी के पास? सीजर है, सीजर है, सीजर है। फोन 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 पीछे लो जी। अच्छा जवाब के कंप्यूटर क्लास में।